हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट फ्रॉम थर्ड लेसन, माय फैमिली। तो बच्चों, आज हम लोग थर्ड लेसन माय फैमिली का अगला एक्सरसाइज पार्ट देखेंगे। सो टेक पेज नंबर 97 विथ मी। तो आप मेरे साथ पेज नंबर 97 ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर बी को देखेंगे। टिक इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एंड क्रॉस इफ इट इज रॉन्ग। अगर वाक्य सही है तो टिक करें और यदि गलत है तो क्रॉस करें। यानी कि सही सेंटेंस में सही का निशान लगाना है और गलत वाक्य में क्रॉस का निशान लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट है, ए फैमिली कैन बी स्मॉल और बिग। ए फैमिली कैन बी स्मॉल और बिग, यानी कि एक परिवार छोटा या बड़ा हो सकता है। सेंटेंस करेक्ट है तो हम यहाँ टिक यानी करेक्ट का निशान लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस सही है तो यहाँ पे टिक का निशान लगाएंगे। ओके, सेकेंड है, मदर यूजुअली कुक फूड फॉर द फैमिली। मदर यूजुअली कुक फूड फॉर द फैमिली मीन्स माँ अक्सर परिवार के लिए खाना बनाती है। तो स्टूडेंट्स, ये भी राइट है तो हम यहाँ भी करेक्ट का निशान लगाएंगे। थर्ड में है, द फादर ऑफ योर फादर इज कॉल्ड ग्रैंडफादर। द फादर ऑफ योर फादर इज कॉल्ड ग्रैंडफादर मीन्स आपके डैडी के पिताजी को हम दादाजी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस सही है तो हम राइट का निशान लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट फोर्थ में है, वी शुड नॉट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी शुड नॉट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स यानी कि हमें अपने से बड़े लोगों का सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस रॉन्ग है तो यहाँ हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यहीं स्टॉप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।